Let me quickly cut across to Aditi Tatkare, Raigarh MLA, speaking on the same. इस पे होनी चाहिए. ये हमने मैंने अभी विधानसभा हमारा सभागृह में भी ये मुद्दा मैंने उपस्थित किया पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशन के अंतर्गत. और मुझे ऑनरेबल स्पीकर ने ये बताया है कि सम्माननीय जो चीफ मिनिस्टर है आज डीसीएम साहब है वो गृहमंत्री भी है वो इस बारे में आज सेशन खत्म होने से पहले जो भी कुछ राज्य शासन की तरफ से अर्जेंट बेसिस पे जो भी कुछ अपॉइंटमेंट्स है या टीम्स है या फिर एटीए स्क्वाड है इनके बारे में या फिर उस इस पूरे मामले में जो राज्य शासन की भूमिका रहेगी वो वहां पर हमें उत्तर दें. क्या लगता है आपको अभी तक जो इन्फॉर्मेशन मिली है उससे क्या इन्फॉर्मेशन इज वेरी प्राइमरी बहुत ही प्राथमिक ये पूरी जानकारी है तो उस बारे में ज्यादा अभी बोल नहीं पाएंगे. जो वहां पर इंक्वायरी शुरू है वो सिर्फ रायगढ़ जिले की जो पुलिस टीम है उनकी तरफ से अभी ये पूरी जो इन्फॉर्मेशन है वो मिली है. लेकिन एडवांस टीम्स जो हमारी एटीएस स्क्वाड्स रहते हैं या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एजेंसीज रहते हैं उनकी तरफ से भी एक स्पेशल अपॉइंटमेंट अगर हो तो इस वक्त ज्यादा से ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि नागरिक सुरक्षित रहने चाहिए. अब अगर हम देखें तो कल जन्माष्टमी का उत्सव है 10-12 दिन में ही गणेश उत्सव है तो ये सब मद्देनजर रखते हुए जो नागरिक उनकी सुरक्षा है ये हमारी प्रायोरिटी रहनी चाहिए और उस बारे में जो उपाय योजना है वो शासन उनकी तरफ से जो लोगों तक पहुंचनी चाहिए. अदिति तटकरे हैं जो लोकल एमएलए हैं जहां पर श्री हरिवर्धन में AK-47 पाई गई है वहां की लोकल एमएलए हैं उन्होंने मुद्दा लिया है और उसके बाद इस बारे में जानकारी दे. कैमरा समीर शानबाग के साथ मुख्यमंत्री आज तक.